कलयुग में क्या फिर जरूरी है? हरिनाम संकीर्तन, कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, और ये हरिनाम संकीर्तन क्या करता है? कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। नामी र स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव कटाई व पालन करी व पालन, सॉरी है ना, नामी र स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव करीब पालन। एक ही धर्म हो होना चाहिए क्या? नाम संकीर्तन धर्म इस कलयुग में है। और भगवान के सामने जब हम बैठ कर ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं, तो भगवान बोलते हैं, नारद जी बता रहे हैं कि ताली बजाते हुए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आगे नृत्य करता है, आपने पुरपा जी का कोई वीडियो देखा है नृत्य करते हुए ऐसे हाथ उठा के, है ना, रथ पे, हम लोग कल आ रहे थे तो गाड़ी में बात करते, जो पुरपा जी के समय में रथ बनता था, आज के टाइम में कहाँ वो रथ बन रहा है सोचो। जो पुरपा जी के डिसाइपल्स ने जो काम किया उसका हम क्षण मात्र भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना भव्य रथ बनाते थे वो लोग। कैसे पुलिस परमिशन लेना, कीर्तन करना, बिना टेक्नोलॉजी, कितना टेक्नोलॉजी नहीं था तब भी। तो श्लोक है ऐसा, है ना, भक्ति सामे सिंधु में ही श्लोक है कि नो नृत्यति प्रत आत्मा भावेर बहु भक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतरे शेषवपि। नृत्यता श्री पते रंगे, नृत्यता श्री पते, श्री मतलब लक्ष्मी जी, उनके जो पति हैं कौन है, नारायण या कृष्ण, है ना, उनके सामने क्या करें, तालिका, ताली बजाना से। श्लोक है ये कि भगवान के मंदिर में ताली, भगवान के समक्ष ताली बजाने से, वदने, वदन वदन करने से, नृत्य करने से, उड़यंती, अभी सुनिएगा, सार सुनिए, उड़यंती शरीर था सर्वे पातक पक्षिण, उड़यंती उड़ जाते हैं भगवान के समय, भगवान के सामने नृत्य करने से और जोर जोर से ताली बजाने से। सुर में बजना चाहिए, ताल में, ऐसे नहीं बेताल होके ताली बजाएं। एक भक्त आते ना शाम को बेचारे, उनका वॉल्यूम कम कराना पड़ता है, पहले उनका वॉल्यूम का बटन ढूंढना पड़ता है, वो है कहाँ, किस मूड में, कहीं बुरा ना बन जाए, मना भी नहीं कर सकते ना सबको। हाँ कोई बात नहीं, उनका भाव है, है ना, तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गोली मार भी देगा कोई, तो चिंता मत कीजिए, है ना। तो यह सार बताए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि आलसी लोग हैं, है ना। मैं श्लोक अभी बोले तो क्यों मैं बोला था कि जोर जोर से बोलो, मैं पहली बार ऐसा बोला, ऐसे बोलता नहीं हूँ मैं, है ना, कि उत्साह नहीं है हमारे अंदर, उत्साह होना चाहिए श्लोक बोलते समय, हमारे रोम रोम में श्लोक चला जाना चाहिए, ताली बजाएं तो फील होना चाहिए। तो श्लोक है, उड़यंती शरीर था सर्वे पातक पक्षिण, जो व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करता है और जोर जोर से ताली बजाता है, लेकिन ऐसे ताली बजे कि कीर्तन हो रहा है और वहाँ अपने लय में ताली बजाने लगे, ऐसा भी ताली नहीं बजाना है, एक स्टैंडर्ड है, जैसे डांसिंग में भी प्रपाद स्टेप्स डांस करना है, वैष्णव सदाचार बुक में लिखा है ना, ऐसे हाथ उठा के पैर एक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, उसको बोलते हैं प्रपाद स्टेप्स, है ना, उसमें डांस करना चाहिए, वैष्णव सदाचार बुक में लिखा है कि कैसे हमें नृत्य करना चाहिए, उसके अनुसार नृत्य करना चाहिए, उसी के अनुसार ताली बजानी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप ध्वंस हो जाते हैं, और तो और कैसे, उड़यंती सरिस्तता सर्वे पातक पक्षिण, जैसे एक पक्षी पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और ऐसे ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार से हमारे जो पाप रूपी पक्षी इस शरीर पर बैठे हुए हैं, कर्म, पाप रूपी कर्म जो हमारे शरीर के साथ लगे हुए हैं, जब हम भगवान के सामने ताली बजाते हैं तो पाप रूपी रेखाएँ, कर्मों की रेखाएँ भगवान इस हाथ की बदल देते हैं। बोले कैसे बदल जाएगा जी, रेखा कैसे बदल जाएगी, है ना, इसमें तो उल्टा उल्टा लिखा है सब, भगवान ने कोई अच्छा तो किया नहीं, तो ये रेखाएं आप मान लीजिए, जैसे स्टैंप होती ना मोहर, है ना, वो मोहर उल्टी होती है, उस पर उल्टा करके लिखा होता है, जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा होता है, जब यही मोहर या हाथ भगवान की सेवा में झुक जाता है, लग जाता है, तो मोहर जब उल्टी होती है तो प्रिंट कैसा आता है, सीधा आता है। तो यमराज जी बोलते हैं, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस स्मृति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नमति यक्षिण एकादपि
तानान यद्वं असत अकृत विष्णु कृत्यान। यमराज जी बोल रहे हैं कि जिसकी जीव से भगवान कृष्ण का नाम नहीं उच्चारण होता, जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम धीम, जिसकी जीव से भगवान के नाम का गुणगान नहीं हो रहा है, और चेतस्न स्मृति तत् चरणारविंद, चित्त जिसका हृदय, जिसके हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान नहीं हो रहा है, मुखमंडल का ध्यान नहीं हो रहा है, और उसके बाद कृष्णाय नमेति यत् शिर एकादपि, जिस व्यक्ति का सिर भगवान के चरणों में एक बार भी नहीं झुका है, यमराज जी बोले उसकी गर्दन पकड़ के मेरे पास लेकर आओ, मेरे समक्ष लेकर आओ उसको, फिर मैं उसको दंड दूंगा। तो भगवान के सामने प्रणाम करना, झुकना, नित्य करना, इससे हमारा फायदा होगा। ए मत कीर्तन करिया सर्वलोक, भगवान के सामने सारे लोक देवी देवता आके कीर्तन करते थे। जब चांद काजी के समय में जो मृदंग तोड़ा था, और चांद काजी के समय में चेतन महाप्रभु गए पहला अहिंसा आंदोलन लेकर, तो गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन शुरू, अहिंसा आंदोलन कौन सा आंदोलन शुरू किया, अहिंसा है ना। तो चेतन महाप्रभु तो मसाले के गए थे, आग जला घर फूंक दूंगा उसका, अब ये नहीं समझ में आया कि वो अहिंसा या हिंसा वाला है ना। और देवी देवता भी आ गए, बताते हैं उस समय नदिया में इतने लोग आ गए, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी आबादी आ गई वहाँ पर, सब चांद कांजी का उसका घर जलाने के लिए पहुँच गए कि आज फूंक देंगे इसको। तो देवी देवता आ गए, पर मसाल हाथ में थी, लेकिन पीछे पीछे क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है, ए मत कीर्तन करिया सर्वलोक, पासा रेला देह धर्म जत दुख शोक। जो व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करता है, उसके दुख और शोक चले जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं। वैष्णव परंपरा हमारी कीर्तन प्रधान परंपरा है। दो चीज़ें हमारे अंदर, हमारी संस्था में, सेवा और कीर्तन। क्या है, सेवा और कीर्तन। प्रभुपाद ने बोला प्रसाद बांटो, कीर्तन करो, अपने आप भक्त बन जाएंगे, कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने यही किया है ना। 3 घंटे तक प्रभुपाद जी टॉमसन्स पार्क में बैठे रहे, डुगडुगी बजा के कीर्तन करते रहे प्रभुपाद जी, भगवान आगे उतर के उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये नाम संकीर्तन क्या है, जिस स्थान पर भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता है, वो स्थान कौवक का स्थान है। तद्वायस्य तीर्थम प्रभुपाद जी बोलते हैं, कौवा क्या है, गंदी जगह बैठता है। तो जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस धार्मिक स्थल पर नाम संकीर्तन नहीं होता है, वो कूड़ा कचरा फेंकने वाला स्टोरेज का गार्बेज वाला घर है वो। तो ऐसी जगह बचना चाहिए। करना क्या चाहिए, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धान, नाम नाचे जीव नाचे, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धान, जगत नचाए माया करे पलायन, जगत नचाए माया करे पलायन। जब कीर्तन होता है तो नाम प्रभु, ये जो हरि नाम जप करते हैं हम, ये नाम प्रभु खुद आकर नृत्य करने लगते हैं, है ना। नाम नाचे, और साथ में जीव भी नाचने लगता है, मनुष्य भी नाचने लगता है, और नाचे प्रेम धन, कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु स्वयं कीर्तन में आके नाचते हैं। श्रीनिवास आंगन में महाप्रभु कीर्तन में आ जाते थे, है ना। नित्यानंदपुर जब भी याद करते थे तो आ जाते थे। तो जब भगवान जिस स्थान पर जीव नाच रहा है, जिस स्थान पर हरिनाम प्रभु नाच रहे हैं, जिस स्थान पर स्वयं भगवान नाच रहे हैं, वहाँ तो माया रह ही नहीं सकती, माया तो पलायन कर जाएगी। अरे माया पलायन। साधु संघ साधु सेवा नाम संकीर्तन, साधु संघ साधु साधु संघ साधु सेवा नाम संकीर्तन, सर्व जीवे दया एक भक्त आचरण, सर्व जीवे दया एक भक्त आचरण,
नाम कीर्तन भी कब कर पाएंगे? हर व्यक्ति नाम संकीर्तन नहीं कर पाएगा जी। भक्ति सिद्धांत महाराज बताए, चार आने के भाव से कोई नाम संकीर्तन नहीं कर सकता। अच्छा नाम जप के लिए और कीर्तन में आस्वादन लेने के लिए, कीर्तन का आस्वादन लेने के लिए उसको साधु सेवा करनी पड़ेगी, अपना आचरण बदलना पड़ेगा। जब तक साधु सेवा नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, वैष्णव आचार जो सदाचार है उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक कीर्तन में भी आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। तो सतोगुण में आना पड़ेगा। बिना ईर्ष्या द्वेष के भाव से हमें नाम संकीर्तन को करना है और करवाना भी है, करना है और करवाना भी है, खुद नहीं करना अकेले। एक कीड़ा जो है मर रहा था, प्रभा जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, प्रभा जी ने कीड़े को देखकर सबको बोला कीर्तन करो इसके लिए। एक कीड़े के लिए प्रभा जी ने कीर्तन करवाया ताकि उसका उद्धार हो जाए, समझे? तो ये बहुत जरूरी।